नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथी, सत्र के टैप फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। जुलाई से दिसंबर 6 मई का टैप फॉर्म हमें भरना है। इस बार टैप फॉर्म में एक विशेष अपडेट ये आया है कि इस बार जो OTP आएगी वो हमारे ईमेल के ऊपर आएगी। तो आइए सारी प्रक्रिया देखते हैं कि किस प्रकार से हमें टैप फॉर्म भरना है और कौन कौन से डेटा हमसे मांगे जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें स्टाफ लॉगिन विंडो में लॉगिन हो जाना है। उसके लिए आपके पर्सनल NIC ID और पासवर्ड और कैप्चा आपको भर देना है। उसके बाद आप लॉगिन हो पाएंगे। तो आइए भर लेते हैं। स्टाफ लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमको दिखाई देता है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 लाइन्स हैं, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब इसमें से आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन है फॉर्म्स का, तो इस फॉर्म के ऊपर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के उपरांत पहला ही ऑप्शन आता है, आप देख पा रहे होंगे TAF यानी कि टैप का, इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। अब नीचे क्लिक करने के बाद में आता है टैप टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21, तो इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक अगला पेज जो खुलेगा, व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र। इसमें हमारी सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी, जैसे कि नेम, पोस्ट, सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय ID, NIC ID, जेंडर, मोबाइल और ईमेल वगैरह। यदि आपकी ईमेल में कोई दिक्कत है, यहाँ पर ईमेल शो नहीं होती है, तो आप प्रपत्र 10 में जाकर अपनी ईमेल में सुधार कर लें और उसको लॉक कर दें। कुछ समय बाद में आपकी ये ईमेल यहाँ पर शो होने लगेगी। अब इसमें कुछ सूचनाएं दे रखी हैं, ये एक बार जब आप भरें तो एक बार इसको ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अब नीचे आ गया है सबसे पहले आधार नंबर। आपको यहाँ पर आधार नंबर भरे हुए मिलेंगे सारी चीज़ें, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ऑथेंटिकेशन हो चुका है, वेरीफाइड ऑन इस तारीख को वेरीफाइड हो चुका है। दूसरी चीज़ आती है मोबाइल नंबर, ये इसमें रेड का मतलब है नॉट वेरीफाइड, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको वेरीफाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब मैसेज आता है दिए गए मोबाइल पर OTP जाएगा, सही OTP एंटर करने पर मोबाइल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके कर देते हैं। अब हमारे मोबाइल नंबर जो दे रखे हैं उसके ऊपर एक OTP आएगा। जो कि आपके नंबर होंगे, ये OTP एक बार भर लेते हैं। OTP डालने के बाद सबमिट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का मैसेज हमारे सामने आ जाता है, मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि एक ईमेल आईडी है, चूँकि मेरी वेरीफाई हो चुकी है, आपको क्या करना है, यदि रेड में आती है तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक OTP आएगा। OTP भरने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा। मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ किस प्रकार से ईमेल आएगी। कुछ इस प्रकार से ईमेल आएगी, राज एजू करके। तो हमें क्या करना होगा, इसमें OTP दे रखा, आप देख पा रहे होंगे योर OTP इज 99367, ये हमको वहाँ पर भर देने हैं और वेरीफाई कर देना है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद में हमें पुनः इन 3 लाइन के ऊपर जाना है, दोबारा से वही फॉर्म्स, फिर टैप में, फिर टैप टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारे कार्य करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाता है, जिसमें हमारे विद्यालय का नाम और कर्मचारी से संबंधित बेसिक इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आ जाती हैं। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक कर लेने के बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं, यदि हाँ तो हाँ पर टिक करें, नहीं तो नहीं पर टिक कर दें, और नीचे जो सत्यापित का जो बटन दे रखा है इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में हम नीचे देखेंगे
तो तीन भाग खुल जाते हैं, भाग एक, भाग दो, भाग तीन, चार। और यहाँ पर टाइम दे रखा है जुलाई 2020 से दिसंबर 2020। अब 1.1 आता है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं विषय। यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2020-21 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मैपिंग करने होंगे, तभी यहाँ पर कक्षाएं आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी। तो ये किसी अन्य वीडियो में मैं बता दूंगा आपको किस प्रकार से मैपिंग करनी है। पहले वीडियो बनाए भी जा चुके हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ किस प्रकार से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। आपको स्कूल आईडी के द्वारा लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के पश्चात आपको जाना है रिजल्ट के अंदर। यहाँ पर रिजल्ट है, रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रिजल्ट एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, हमको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में सेशन को हमें सेलेक्ट कर लेना है 2020-21, और फिर क्लास, क्लास के बाद सेक्शन, और गो के ऊपर क्लिक करना है। अब क्लास एक के सारे सब्जेक्ट हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, जैसे आप देख पा रहे होंगे एक नंबर पे हिंदी है, तो टीचर के नीचे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सभी के नेम प्रदर्शित होने लगेंगे, जो भी शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं हिंदी, तो उनके नाम के आगे आप टिक कर देंगे। टीचर टू यदि कोई है तो ही करें, अन्यथा इसको एन ही, एन ए पर ही रहने दें। इसी प्रकार इंग्लिश, इंग्लिश में जो भी शिक्षक होंगे उनका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार सभी का सेलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट में हमको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। ये एक बार करके दिखा देता हूँ मैं। सबमिट करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, सक्सेस टीचर हैज बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुल्ली। अब क्लास एक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में अब हम क्लास दूसरी से, जो सेकेंड क्लास होगी उसका चयन कर लेंगे सेक्शन, और उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे तो उसी प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इसी प्रकार हमें कक्षा दो के सभी टीचर्स भर देने हैं, फिर दोबारा कैंसिल करेंगे, फिर कक्षा तीन को ले लेंगे। इसी प्रकार हमारे विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं होंगी सभी के हम टीचर सेलेक्ट करके उनकी मैपिंग कर देंगे। यदि आप टीचर सब्जेक्ट मैपिंग में कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर एक बार वो वीडियो देख लेना, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर पाएंगे। अब हम चलते हैं टैब की तरफ। सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं सभी की सभी यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं, साथ ही साथ विषय भी प्रदर्शित हो रहे हैं। यदि आपके प्रदर्शित नहीं हो रहे तो एक बार शाला दर्पण लॉगिन हो जाइए विद्यालय के माध्यम से, और वहाँ पर सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रदर्शित हो गए हैं। अब पूछा गया है 1.2 में विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की भौतिक औसत उपस्थिति कितनी रही है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, 60% से कम, 60 से 80% और 81% से अधिक। तो जो भी आपको उचित लगे आप अपने हाजिरी रजिस्टर में देख लें और जो भी उचित है उसका चयन कर लें। अब अगला पूछा गया, अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं, यदि हाँ तो हाँ पर टिक करें, नहीं तो नहीं पर। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि कर रहे तो उन दिवसों की संख्या, जितने भी दिन आप शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या भर देंगे, यदि नहीं रहे तो 0 भर देंगे। अन्य कार्य गैर शैक्षणिक हेतु दिनों की संख्या, जितने भी दिन होंगे वो भर देंगे, अन्यथा 0 भर देंगे। ये सारा कार्य कर लेने के बाद में 1.3 आ जाता है, हमें 1 से 5 तक रेटिंग देनी है शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन। इसमें निष्पादन सूचक दे रखे हैं, तो
पहला आता है विद्यालय में स्वयं अनुशासन, नियमितता, सदाचार। तो आप अपने हिसाब से इसमें 1 से 5 तक दे सकते हैं। इसी प्रकार ये लगभग 15 पॉइंट हैं, 15 के 15 में आपको पॉइंट दे देने हैं 1 से 5 तक। हमने 15 के 15 पॉइंट में अंक दे दिए हैं 1 से 5 तक। आप चाहें तो 3, 4, 5 कुछ भी दे सकते हैं। एक बार इन पॉइंट को पढ़ लें, उसी हिसाब से अपने अंक दे दें। अब आगे आता है 1.4, शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान CBO द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड। इसमें आपके जितने भी अंक बनते हैं उनके हिसाब से संस्था प्रधान के द्वारा ये रेटिंग आपको दी जाएगी। आगे 1.5 है, संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन। ये नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करें। तो यदि आप शिक्षक के रूप में हैं तो ये टिक होगा नहीं, यदि आप नियंत्रण अधिकारी के रूप में भर रहे हैं तो इसको टिक करना अनिवार्य होगा। अब हम कर देते हैं, नीचे देख पा रहे होंगे सेव एंड नेक्स्ट का एक बटन आ गया है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में मैसेज आया, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम ऊपर जाते हैं। अब अगला भाग आ जाता है 1.6, इसमें हमको क्या करना है, वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम देने हैं। सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी को 2, और इसी प्रकार पुनः उससे छोटी को 3। घटते क्रम में हमको वरीयता देनी है 3 तक। तो दे देते हैं इसको आपके अनुसार जो भी आपको उचित लगता है। सबसे बड़ी चुनौती को 1 दें, उससे छोटी को 2, उससे छोटी को 3। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है कि जिन ट्रेनिंग की आपको आवश्यकता महसूस हो रही है, यदि सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है उसके सामने जो चुनौती दे रखी है उसके सामने 1 भरें, उससे कम में 2 और उससे कम में 3 भर दें। ये शिक्षक के अनुसार कॉलम है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरे द्वारा भर दिए गए हैं। अब ये चीज़ें हो जाती हैं। अगला आता है 1.8, शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। तो इसमें से जो भी, जैसे विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, शैक्षिक गतिविधियों का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, COVID-19 या फिर अन्य योगदान, आप इनमें से जो भी आपको उचित ऑप्शन लगता है उसका चयन कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। फिर मैसेज आता है, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमारे डाटा सेव हो चुके हैं। अब हम ऊपर आते हैं पुनः। अब इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको एक बार आपको पढ़ लेना है। ये ट्रेनिंग से संबंधित है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है, ऐसे दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि इनको प्रपत्र 10 में अपडेट करें। यदि आप चाहें तो कर सकते हैं, भविष्य में कोई दिशा निर्देश आएंगे तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो अभी के लिए जो जो भी ट्रेनिंग हमारे द्वारा की गई हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो इसमें सारे ट्रेनिंग्स के नाम आ गए, जैसे निष्ठा एलिमेंट्री, निष्ठा और दीक्षा के 1 से 5, इसी प्रकार साइबर सिक्योरिटी का। तो एक एक करके हमको इनको चयन कर लेना है। सबसे पहले हम निष्ठा की ट्रेनिंग को चयन कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा कॉलम है कार्यशाला की प्रारंभ दिनांक, जब भी निष्ठा आपने प्रारंभ की थी जिस तारीख से उसकी दिनांक भर देंगे। कार्यशाला की अवधि, इसके बाद में प्रशिक्षण में भूमिका, प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता, प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता, उपादेयता की ग्रेडिंग आपको देनी है, ABC जो भी आपको उचित लगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके भर लेंगे। भरने के बाद में यहाँ पर सेव दे रखा है, इस सेव को हम क्लिक कर देंगे तो हमारा एक एंट्री सेव हो जाएगी, फिर अगली एंट्री हम करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं।
आरंभ हुई थी और हैं यहाँ पर, और अवधि आप एक बार कैलकुलेट कर लें। सारी चीज़ें भरने के बाद में हमें यहाँ पर सेव का बटन दे रखा है, तो सेव के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद में अगली पंक्ति खुल जाती है। इस पंक्ति में हम हमारी जो अन्य ट्रेनिंग होगी, जैसे साइबर सिक्योरिटी की हुई थी, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी अवधि भर देंगे जो कि 7-8 जनवरी को हुई थी। ये सारी चीज़ें भरने के बाद में हम इसको भी सेव कर देते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग का कॉलम पूरा हो जाता है। अब आता है 2.2, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो सेलेक्ट आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे, यदि हाँ तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। अब 3.1 आता है हमारा कि पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। 1 का मतलब अच्छा, 1 का मतलब औसत से कम, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा और 5 उत्कृष्ट। तो इसमें से आप 4, 5, 3 जो भी देना चाहें वो सभी में आप भर देंगे। रेटिंग देने के बाद में नीचे सेव का बटन आता है, तो यहाँ पर हम सेव कर देंगे। अब मैसेज आ चुका है डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो हमारे द्वारा जो टैप फॉर्म भरने का कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, टैप का फाइनल डाटा लॉक करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रेड में टैप का फाइनल डाटा लॉक करें ऐसा बटन दे रखा है, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में एक मैसेज आया है कि सारी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर दी गई हैं और लॉक करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यदि कोई त्रुटि है तो कैंसिल कर देंगे, अन्यथा हाँ लॉक करें पर क्लिक कर देंगे। तो हमने लॉक कर दिया है और हमारा जो टैप फॉर्म था वो कंप्लीट भरा जा चुका है। साथियों, कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ मेरे नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वहाँ पर लिंक मिलेगी, आप लिंक के माध्यम से मेरे द्वारा व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। तो आप भी अपना टैप फॉर्म भर लें जल्द से जल्द जितना हो सके। कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी साथियों के लिए अलग अलग डेट दी गई है ग्रेड वाइज, तो उसी हिसाब से एक बार वो वीडियो भी देख लें कि कौन सी ग्रेड के शिक्षकों को कौन से समय के दौरान ये टैप फॉर्म भरना है। बहुत ही आसान है, आप भरिए। कोई समस्या आती है तो हमसे बात करिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।